तो दोस्तों जैसे कि आपके लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल के आप जैसे क्लिक करेंगे दोस्तों ये सॉफ्टवेयर खुल जाएगा। इसको क्या करना है, डाउनलोड पे क्लिक कर देंगे दोस्तों, डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। ये जो जैसे कि आप क्लिक करेंगे डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। ज़्यादा MB का दोस्तों नहीं है ये, थोड़े बहुत MB का लगे है। इसको लोड कर लीजिए दोस्तों, 2 मिनट में लोड हो जाएगा। मैं इसे पहले भी लोड कर चुका हूँ दोस्तों, मगर फिर भी आपको लोड करके दिखाता हूँ और इसको इंस्टॉल करके और किस तरीके से यूज़ होता है। इसका जो प्रोसेस दोस्तों मैं बता देना चाहता हूँ, ये थोड़ा बहुत अलग है और सॉफ्टवेयर से। तो दोस्तों स्टेप बाय स्टेप देखते रहिए दोस्तों कैसे होगा। तो दोस्तों डाउनलोड होने वाला ही है, ये डाउनलोड हो गया, इसे हम खोल लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों जिप फाइल में आता ही है, फिर इसे हम एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। मैंने लोड कर रखा है, फिर से कर लेता हूँ। तो ऐसे होता है, तो इसको एक्सट्रैक्ट करने के बाद एक्सट्रैक्ट कर लेंगे दोस्तों। कर चुका हूँ, फिर से इसे यस कर देता हूँ दोस्तों। दोस्तों करना क्या, तो ये फाइल बन जाती है, हम फिर क्या करेंगे डायरेक्ट इस फाइल को खोल लेंगे। खोलने के बाद कुछ नहीं करना दोस्तों, जो ये ऑप्शन आ गया इस पर क्लिक कर देना, ये सॉफ्टवेयर चालू हो जाएगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा दोस्तों इसको, ठीक है। इसमें फाइल हम चुन के फिर दोस्तों जो भी फाइल है उसमें सेलेक्ट कर लेंगे, इसका भी साइज़ हमें कम करना है। इसमें हम एक से ज़्यादा भी फाइल सेलेक्ट कर सकते हैं, ये फ़ायदा दोस्तों, ठीक है, ये कर देंगे। फिर दोस्तों नीचे साइज़ का ऑप्शन जो दिख रहा है दोस्तों, ड्रॉ ये दिख रहा है, नीले निशान दिख रहा है, इसको हम आगे पीछे करके कम करें, पीछे करेंगे तो कम साइज़ हो जाएगा, आगे करें तो साइज़ बढ़ जाएगा। कम करें दोस्तों साइज़ हम कम कर देंगे दोस्तों। उससे पहले दोस्तों करना क्या होगा, अगर आप ऐसे करेंगे तो नहीं होगा दोस्तों, उसके लिए आपको करना पड़ेगा यहाँ जो आपको 3 डॉट दिख रहे निशान की जगह बोलते हैं कि आपको मतलब सेव कहाँ करना है, उस पर क्लिक करके बता देंगे दोस्तों हाँ मुझे यहाँ पर सेव करना है, तो आप सेलेक्ट कर लेंगे। फिर करेंगे दोस्तों जैसे कि आप उससे सेव वाली जगह बता देंगे कि सिलेक्ट हो जाएगा, फिर हम कंप्रेस पर दबाएंगे ये साइज़ कम हो जाएगा, जो कि दोस्तों पहले साइज़ ये था उसको घटा के उसने ये कर दिया है, ये बता रहा दोस्तों। बहुत ही आसान तरीका है दोस्तों, ये था उसका ऑफलाइन। अगर आपको ज़्यादा फाइल करनी है तो ये आपके लिए बेटर रहेगा ज़्यादा ऑफलाइन, और आपको अगर एक दो फाइल करनी है तुरंत करनी है तो दोस्तों मेरे हिसाब से आपके लिए बेटर रहेगा ऑनलाइन तरीका। दोनों के लिंक इन डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है। वो दोस्तों चुनी रिव्यू मेरा चैनल है, अगर आपको पसंद आता है वीडियो तो लाइक कर देना यार, कमेंट भी कर देना दोस्तों प्यारे प्यारे, और दोस्तों चैनल सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं ऐसे छोटी मोटी चीज़ें जो आपकी डेली लाइफ में बड़ी यूज़ होती हैं दोस्तों मैं सिला दे रहता हूँ। आप मेरे और वीडियो देख सकते हैं, आपको जो पसंद आया वो देख सकते हैं दोस्तों, और जो आप कमेंट भी कर सकते हैं आपकी किस वीडियो चाहिए मैं बना दूँ दोस्तों। मैं खाली बैठा रहता हूँ, ज़्यादा काम नहीं है मेरे पास दोस्तों, बहुत सारा प्यार आपका चाहिए मुझे दोस्तों। मेरे वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए दोस्तों। चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों। टेक केयर, बाय बाय, अस्सलाम वालेकुम, एंड जय भारत, थैंक यू फॉर ऑल वॉचिंग माई वीडियो। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, मेरा नाम मुतफ़ैल और मैं लेकर आ गया हूँ आपके लिए एक नया वीडियो, जिसे बताऊँगा कैसे करें अपनी JPG फाइल का साइज़ कम दोस्तों। इसमें 2 तरीके बताने वाला हूँ दोस्तों, दोनों ही तरीके बड़े ऑप्शन में, एक तरीका जो है ऑनलाइन, एक तरीका है ऑफलाइन। दोस्तों मैं पहले बताने जा रहा हूँ, जैसे कि आप लोग ऑनलाइन हैं तो पहले ऑनलाइन तरीका आजमा लीजिए, अगर आपको एक दो फाइल करनी है, और आपको ज़्यादा फाइलें करनी है तो आपके लिए ऑफलाइन मैं कहूँगा कि ज़्यादा बेटर रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो, पहले बताऊँगा सर ऑनलाइन तो ना क्या करना है, आपको लिंक डाल रखा है उसमें जा जा सकते हैं, या तो आप जब जाएंगे उसके ऊपर तो ये ऑप्शन खुल जाएगा दोस्तों। उस पर जाने के बाद आपको अपलोड पर दिखाना है, उसको कभी फाइल चेंज करनी है, इसका कुछ चीज़ कम करना है साइज़, उसको चुनने के बाद सिलेक्ट कर लेना है दोस्तों। पहले हम प्रॉपर्टी देख लेते हैं इसकी दोस्तों, इसको प्रॉपर्टी दिख रही है इसके अंदर जो कि ज़्यादा लग रही है दोस्तों, उससे हमें कम करनी है दोस्तों। तो दोस्तों क्या करना है, आपको लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ जाकर खोल लेना है, फिर ये फाइल अपलोड कर देनी है, फिर ये अपने आप हो जाएगा, फिर डाउनलोड का ऑप्शन रहेगा क्लिक कर दीजिए। डाउनलोड होने के बाद फिर ये देख लीजिए, फिर देख लीजिए दोस्तों जो हमने पहले डाउनलोड करी उसकी KB का साइज़ क्या था और अभी जो है उसका साइज़ क्या है, दोनों में डिफरेंट आ चुका है थोड़ा बहुत, ठीक है दोस्तों। मगर इसमें ये होता है कि हम जो साइज़ होते हैं अपनी मन मर्जी का नहीं कर सकते, कम तो होगा मगर हमारी मन मर्जी का कम नहीं होगा दोस्तों। तो उसके लिए दोस्तों एक और तरीका है जिसको हम बोलते हैं ऑनलाइन तरीका। तो ऑनलाइन तरीका दोस्तों हो चुका है, एक तरीका है ऑफलाइन। तो दोस्तों ऑफलाइन क्या करना होगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, उसके लिए आपको एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ेगा KZM नाम का। आप लिंक देखिए दोस्तों, डाउनलोड कर लीजिए KZM नाम है उस सॉफ्टवेयर का। तो क्या करिए आप, सबसे पहले मेरे लिंक के डिस्क्रिप्शन में जाइए,